नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं इंडिया स्प्राइड। लाया हूँ आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बॉक्सिंग के ऊपर होने वाला है कि बॉक्सिंग किस एज में स्टार्ट की जाती है और उसके लिए क्या प्रोसेसिंग होती है। अगर सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग है, या फिर किसी भी सरकारी स्टेडियम में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग रहेगी, क्या उसके लिए फीस लगती है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और मिलवाऊंगा वहां के कोच मिस्टर विजय सिंह शेखावत जी से। तो चलिए दोस्तों, और चलने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर हम ला सके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉक्सिंग के कोच मिस्टर विजय सिंह शेखावत जी और ये अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे जो डाउट्स होते हैं बॉक्सिंग के बारे में सभी हम क्लियर करेंगे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, हमारा सबसे पहला जो डाउट है कि वो बॉक्सिंग किस एज में स्टार्ट की जाती है। बॉक्सिंग की जो अपन एज है अपने, वो हम लोग 10 ईयर से स्टार्ट करते हैं बॉक्सिंग का। जो 10 ईयर से बच्चे आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे आते हैं, उनको स्किल्स वगैरह है, उनका डेवलपमेंट है, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, जैसे कोई साधारण आदमी है वो बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहता है या खिलाड़ी बनना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? यहाँ पे नॉर्मली एक एडमिशन फॉर्म होना पड़ता है जिसके अपने गवर्नमेंट की तरफ से पेंट रहते हैं 200 रुपीज फीस करके मंथली। जी, वो आते हैं बच्चे रेगुलर यहाँ पर आके अपना प्रैक्टिस करते हैं और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिली थी बच्चों को यहाँ पे, जैसे इंडोर आउटडोर दोनों, जी यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो सर, बॉक्सिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ग्लव्स हो गए और, तो ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, बाकी जो तो रिंग का जो मेंटेनेंस होता है और बाकी जो और भी बैग्स वगैरह, पंचिंग बैग हो गया, पैड हो गया, सब गवर्नमेंट की तरफ से। सर, बॉक्सिंग में हमें कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए? अच्छे बॉक्सर बनने के लिए तो आदमी, यदि आपका एम है, यदि आपको ओलंपिक खेलना है या कुछ मेडल लेना है या फिर अच्छा एंट्रेंस बनना है, तो उसके लिए कम से कम पर डे आपको डेली की डेली कम से कम 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो या कुछ अचीवमेंट होगा। अपन आके अभी नहीं 2 घंटे प्रैक्टिस करने से कोई है कि क्या गवर्नमेंट तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं? अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली यहाँ पे अपने स्टेडियम में यहाँ पे अपने फिजियोस वगैरह रहते हैं, पढ़ देते हैं, जैसे कि बच्चों की इंजरी वगैरह कुछ भी होती है जी, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे बच्चों की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट जी। ये बहुत अच्छी सुविधा है एक, और अभी पहले से अच्छा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करी खिलाड़ियों के लिए। आपको पता होगा 2% इस पर कोटा मिला है बच्चों को जॉब के अंदर भी, जॉब के अंदर कोटा मिला है, और बाकी बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज काफ़ी हो रही है, ग्राउंड हो रही है हर चीज़ में, इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करी जॉब के अंदर भी। सर, एक साधारण खिलाड़ी को अच्छा बॉक्सर बनाने के लिए, अच्छे लेवल का बॉक्सर बनाने के लिए आप उसे कैसे गाइड करते हैं? एक साधारण खिलाड़ी जैसे मेरे पास, जैसे अभी बिगिनर्स मेरे पास जो बच्चा जी, उनमें से कई बच्चे जो अभी तक मतलब जैसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, वो पहुँचने के उनके पीछे कई रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि अपन जैसे रेगुलर बच्चा आ रहा है प्रैक्टिस कर, रेगुलर आने के बाद वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपना माइंड किस तरह डाइवर्ट करके किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कौन सी स्किल पर ध्यान दे रहा है, और वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास तो वो स्किल सीखते हैं, कोई बच्चे जैसे किसी में स्ट्रेंथ की कमी होती है तो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं, किसी में स्पीड की कमी होती है, किसी में एंडोरेंस भी, तो टोटल ऑल ओवर जो बच्चे होते हैं जैसे प्रॉपर हर अपनी परफेक्शन को ठीक करें, अपनी गलतियों को, जैसे कि बच्चों की स्किल में प्रॉब्लम होती है बच्चे अपना स्किल करें, और बच्चे जितने ज़्यादा पार्टन होते हैं बच्चों के पास में, जैसे एक शॉर्ट बॉक्सर होता है, एक मीडियम बॉक्सर होता है, एक लॉन्ग बॉक्सर होता है जी, तो तीनों बॉक्सरों से अपने किस तरह से वो ट्रेनिंग स्किल प्रैक्टिस करता है और रिंग के ऊपर वो किस तरह से अपना वो प्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो इस तरह से वो अपन डेली वर्कआउट करना बच्चों को, और उसके साथ में डाइट बच्चों की वो भी बहुत ज़रूरी होती है जी, प्रॉपर डाइट बच्चों को, उसमें आपको प्रॉपर जैसे अपने प्रोटीन बच्चों को, जो भी सप्लीमेंट्स अपने और भी अपने जो यूज़ होते हैं जैसे वो अपन बच्चों को यूज़ करें, तो उससे अपने बच्चों की प्रॉपर डाइट मिल जाता है और अपने स्किल कर लेता है बच्चा, तो उससे आगे बढ़ने चल सकते हैं। एक जो बॉक्सर है अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहा है तो क्या उसका खर्चा खुद वो उठाना पड़ता है या गवर्नमेंट उसका पूरा खर्चा? अपने जो आईबा, हमारी जो आईबा है, हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरेशन हमारी जो इंडिया की बच्चों की जी, वो उसमें पूरा आने जाने का, उनको
रहना खाना किट वगैरह सब प्रोवाइड करवाए। और इसमें भी कोई बच्चा एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉमन गेम्स या ओलंपिक को भी मेजर टूर्नामेंट अपना करता है तो अपने राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको अच्छा स्कॉलरशिप अच्छा पैसा उसको मेडल पे मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है। मेजर टूर्नामेंट से उसके अंदर कोई बच्चा मेडल लेके आता है तो उसको यहाँ पे अपने राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा कैश प्राइज मिला। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बॉक्सिंग कोच मिस्टर विजय सिंह जी। आई होप आप सबको इनकी राय और जो टिप्स हैं वो पसंद आए होंगे। तो बने रहिए इंडिया स्प्राइड के साथ। थैंक यू सर आपका हमारे चैनल देखने के लिए।